अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मान गनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल उस्मान व्लॉग्स। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज 15 जुलाई है और आज मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ मियाँ वाली मैं थोड़ा सा दो तीन काम है और सुबह सुबह निकला हूँ अपने बाज़ार की। आपको पोजीशन दिखाता हूँ, हमारे सियासी या हमारे मोशी जितने भी चिड़पोश हैं उनके लिए एक शर्म का मकाम है कि आप अपने मेन बाज़ार जो कि मोशी है उसकी हालत देख के मेहरबानी करके उसको सेट करें। और आपको मैं अपने बाज़ार की पोजीशन दिखाता हूँ जो कि मेन बाज़ार है मोशी का, आप उसकी पोजीशन देखें उसके बाद मिलते हैं। व्यूअर्स, ये मेन गली है हमारे मोच की जो कि मोच हायर सेकेंडरी स्कूल से होके मेन बाज़ार तक जाती है। इसकी पोजीशन आप देखें, आगे आपको बाज़ार की भी पोजीशन दिखाते हैं। अभी बाज़ार पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं बाज़ार के हालात। अभी यहाँ से बाज़ार शुरू हो जाता है, सामने दुकानदार भाई खड़े हुए हैं जो कि हल निकाल रहे हैं पानी का ताकि पानी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और अपने कारोबार शुरू किए जाएं। और ये सामने देखें मेन गली है, क्या हालात हैं इस गली के। मौज के जो भाई देख रहे हैं वो तो इस गली को जानते होंगे, मेन रीढ़ की हड्डी है ये मौज की, यहाँ से कारोबार शुरू होता है। और इसके हालात देखें, ये दुकानदार भाई हैं जो कि अपने रोना रो रहे हैं अपने बाज़ार का कि ये हालात हैं हमारे बाज़ार के, कुछ ठीक किया जाए इनको। और ये मेन बाज़ार की सबसे बड़ी मार्केट है जिसके हालात आपके सामने हैं, पानी किस तरह खड़ा हुआ है इसके अंदर और मेन रोड की आप पोजीशन चेक करें। जी व्यूअर्स, बाज़ार की आपने पोजीशन देख ली है, किस तरह बाज़ार हमारा एक मसला दरिया का दरिया की शेप तैयार किए हुए हैं सुबह सुबह। और आज हमारे जितने भी मुश्किल लोग हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये बाज़ार की मेन स्ट्रीट की हड्डी है जो गली मैंने आपको सामने दिखाई और साथ स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। ये मेन रीढ़ की हड्डी है बाज़ार की जो कि इस टाइम अभी बंद हो चुकी है और जनता के यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, कारोबार नहीं खुलेगा, दुकानदारों को परेशानी का सामना है। वो हमारे सियासी हैं या हमारे जितने भी चिड़पोश हैं और बेस्ट है कि प्लीज इस जगह पर मेहरबानी करें। कई सालों से ये जगह इसी तरह है, पहले गुजारा हुआ करता था, पहले जब सीवरेज नहीं थी, जब से सीवरेज लगी है ये सिस्टम हो गए इनके साथ बाजार का जो मेन गली है बड़ी और कभी बैठ चुकी है, बैठने की वजह से वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और दुकानदारों को ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करें और यहाँ को इस जगह को ठीक करने की कोशिश करें। कई वजह पहुँचने वाली बारिश ज़्यादा हो रही है, मान चला ठंड तो हो गई है लेकिन हमारे फौज के भाइयों के लिए जो कि दुकानदार भाई हैं मेरे उनके लिए मुश्किल ज़्यादा हो गई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी सेट कराएँ और मेरे जितने भी फौज के दुकानदार भाई हैं जितने भी मेरे अड़ोस के जो रहते हैं जिनको मुश्किल का सामना है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो आगे जाए और आपका कुछ काम बन सके। अभी मियांवाली चलते हैं, मियांवाली जो काम होगा इस तरह आप उसे शेयर करें। अभी बस मियांवाली पहुंच गया हूं और बारिश की वजह से ये पोजीशन बन गई है मेरी, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीग चुका हूं और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी रास्ते में और पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अभी थोड़ा सा काम है और वो करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, काम मुकम्मल हो जाए तो फिर जहाँ जाना होगा आपको दिखाएंगे। अभी ये जगह सही दिखा सकता, कुछ प्राइवेसी होती है बंदे की, उसके बाद आपको मिलते हैं काम हो जाए तो फिर। उसके बाद मियांवाली से वापस जा रहा हूँ, बारिश की वजह से दो तीन काम जो थे वो अधूरे रह गए हैं और काम नहीं हो सके, बारिश बहुत ज़्यादा थी। अभी वापस जा रहा हूँ, असल में मेरा आज व्लॉग शुरू करने का मकसद ये था कि मेरी आज शूटिंग थी तारका स्टार मियांवाली का है जो उसके साथ आज शूटिंग थी मेरी और उसके पास जाना था, बारिश की वजह से वो शूटिंग भी कैंसिल हो गई है। अभी चलते हैं वो उसकी तरह, अगर कोई और अपडेट होगी तो आप इंशाल्लाह आज के व्लॉग में देंगे।
वापस जा रहे हैं। व्यूअर्स मियांवाली से वापस आ गए और कप ड्रेस चेंज कर लिए क्योंकि वो ज़्यादा भीग चुका था बारिश की वजह से, और अभी आज के ब्लॉग का यहाँ काम करेंगे और आपको एंड पे कुछ कब भी देता चलूँगी इसी चैनल पे आपको मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा बनाना प्रैंक्स की टीम के टीम से जो कि रोजी पठान और भाईकार हैं उनकी और तारका टीवी के थ्रू मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। और जल्द आपको इसी ब्लॉग पे इसी ब्लॉग कहता हूँ इसी चैनल पे उनकी मुलाकात कराऊंगा। आज के इस छोटे से ब्लॉग का करते हैं यहीं पे इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।